स्टूडेंट, मैं हूं रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूं कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का लेसन नंबर 14, जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा। तो स्टूडेंट, आज इसके संपूर्ण प्रश्न अभ्यास को हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ संबंधित संपूर्ण प्रश्न अभ्यास कराए जाएंगे। इसमें सबसे पहले प्रश्न है कहानी के बाद से प्रश्न नंबर 1। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झावलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं आता था, मतलब वे पसंद नहीं करते लोटे को, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। हमारे विचार से लाला झावलाल की पत्नी द्वारा 250 रुपए मांगे जाने के कारण तथा लाला द्वारा रुपयों को देने का वादा करने के पश्चात अगर रुपए समय से न दे पाए तो इसी कारण लाला जी को नापसंद होने पर भी उस लोटे से पानी पी लिया और चुप रहे। ये होगा स्टूडेंट पहले प्रश्न का उत्तर। हमारा नेक्स्ट यानी दूसरा प्रश्न है, लाला झावलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झावलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा, हमारे विचार से नक्षिक तक भीगे अंग्रेज और आंगन में जुटी भीड़ तथा अपराधी लोटे को देखकर लाला झावलाल ने तुरंत ही सभी बातें समझ में आ गई होगी, यानी लाला झावलाल को सभी बातें समझ में आ गई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झावलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे विचार से पंडित बिलवासी मिश्र जानते थे कि इस अंग्रेज को ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। उसकी इसी शौक का फायदा उठाकर वो अपने मित्र लाला झावलाल की मदद करना चाहते थे, तभी उन्होंने अंग्रेज के सामने उन्हें पहचानने से इनकार करके अजीब व्यवहार कर रहे थे। ये होगा हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, बिलवासी जी ने रुपये का प्रबंध अपनी पत्नी कि तिजोरी से रुपए चुरा कर किया था। ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से अंग्रेज ने पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे विचार से अंग्रेज को ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक था, तभी उसने उस पुराने लोटे को अकबरी लोटा जानकर खरीद लिया होगा। बहुत से लोगों को अपना कुछ न कुछ शौक होता है, यानी बहुत से लोगों का अपना कोई न कोई शौक होता है। उसी तरह से अंग्रेज को शौक था कि वो ऐतिहासिक यानी पुरानी चीजों को इकट्ठा करता, इसलिए उसने इस लोटे को खरीद लिया। ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनुमान और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, बिलवासी जी ने यह बात लाला झावलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। इस रहस्य को वह लाला झावलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 2 है, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, समस्या झावलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों? लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, झावलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दे, इसीलिए समस्या झावलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी थी। ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3, लेकिन मुझे इसे जिंदगी में चाहिए, अजी इसे सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झावलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, झावलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से निम्न बातें उजागर होती है। नंबर 1, झावलाल की पत्नी को अपने पति झावलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। नंबर 2, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। नंबर 3, झावलाल कंजूस प्रवृत्ति के हैं, ये बातें हमें पता चलती है उनकी पत्नी और झावलाल के बातों के बीच से। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या होता यदि नंबर 1 अंग्रेज लोटा ना खरीदता? इसका उत्तर हम लिखेंगे, अगर अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झावलाल को देने पड़ते, अन्यथा झावलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होते। ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? इसका उत्तर होगा,
अगर अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता और उन्हें जुर्माना देना पड़ता। तो ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती था। इस प्रश्न का उत्तर होगा, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पता कीजिए। प्रश्न नंबर 1। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से उछल हो गया। उल्का क्या होती है? उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, आकाश में उपस्थित आग के गोले को उल्का कहते हैं। उल्का तथा ग्रह दोनों ही चमकते हैं। दोनों एक जैसे पदार्थों से ही बने होते हैं। ग्रह अपने जगह पर रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु उल्का के गमन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। किसी तारे का छोटा चट्टानी टुकड़ा उल्का कहलाता है। ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इस कहानी में आपने दो चीजों के बारे में मजेदार कहानियां पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। तो आपके विचार से ये कहानियां सच्ची है या काल्पनिक? इस प्रश्न का उत्तर होगा, यह कहानियां काल्पनिक है। जहांगीरी अंडे की बात पूरी तरह से काल्पनिक है, क्योंकि एक अंडे को इतने दिनों तक संभाल कर रखना संभव नहीं है, तथा अकबरी लोटे के संबंध में भी कोई प्रमाण नहीं है। इस तरह से ये दोनों बातें जो काल्पनिक है, कल्पना पे आधारित है। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपने घर या कक्षा के किसी पुराने चीज के बारे में ऐसे ही कोई मजेदार कहानी बनाइए। तो छात्र इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपये का प्रबंध किया, क्या वह सही था या गलत? इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, बिलवासी जी ने चोरी करके रुपयों का प्रबंध किया था। किसी की सहायता करने का यह तरीका गलत है। दूसरी ओर बिलवासी जी ने एक अंग्रेज से झूठ बोलकर भी रुपयों का प्रबंध किया था, यह भी गलत है। संभवतः उन्हें अपनी पत्नी को समझाकर उनसे रुपए मांगने चाहिए थे। तो स्टूडेंट ये होगा हमारे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1। इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक रोचक या मजेदार बना दिया है। तो कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मजेदार लगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। दूसरा वाक्य हमारा, कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चीलम रही हो। अब नेक्स्ट हमारा वाक्य है, 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते हैं। ये तीनों वाक्य हमने कहानी से ढूंढ के लिखा है जो हमको बहुत ही अच्छे लगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भाषा के बाद से प्रश्न नंबर 2। इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे स्टूडेंट, चैन की नींद सोना, इसका अर्थ है निश्चित रूप से सोना। कुख्यात चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोई। ये हमारा पहला जो है मुहावरा है पाठ से, और ये है उसका वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट है हमारे मुहावरे, आंखों से खा जाना, जिसका अर्थ होता है क्रोधित होना। परीक्षा में कम अंक आने पर मां ने पुत्र को ऐसे देखा मानो आंखों से ही खा जाएगी। ये हमने वाक्य प्रयोग किया। नेक्स्ट हमारा वाक्य मुहावरा है, आंख सेकने के लिए भी ना मिलना, तो इसका अर्थ होता है दुर्लभ होना। हस्तकला में बनी वस्तुएं तो आजकल आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलती है, हमने इसका वाक्य प्रयोग किया। नेक्स्ट हमारा वाक्य यानी मुहावरा है, मारा मारा फिरना, जिसका अर्थ होता है ठोकरे खाना। तो बेटे आलिशान घर में रहते हैं और बाप बेचारा मारा मारा फिरता है, ये हमने इसका वाक्य प्रयोग किया। नेक्स्ट हमारा मुहावरा, डींगे सुनना, जिसका अर्थ है झूठ मूठ की तारीफ सुनना, इसका हमने वाक्य प्रयोग किया। लाला जी घर में तो भीगी बिल्ली है, परंतु बाहर अपनी बहादुरी के डींगे मारते फिरते हैं, ये हमने इसका वाक्य बनाया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे ये प्रश्न भी कंप्लीट हुए। तो कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए उपयोगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।